दोस्तों आखिर में क्यों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि सूर्यवंशी को लेकर अब ये बातें बॉक्स ऑफिस पर कही जाने लगी है कि भाई सूर्यवंशी का जो 200 करोड़ का जो सपना था ना इंडिया वाला, भैया वो अब चकनाचूर हो जाएगा। तो दोस्तों क्यों कही जा रही है सूर्यवंशी को लेकर ये बातें, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पेडी कुमार, अक्षय कुमार के सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया सूर्यवंशी से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि सूर्यवंशी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 18वां दिन है। और भाई 18वें दिन इस फिल्म को जिस तरीके का कलेक्शन मिलता नजर आ रहा है मेरे भैया बॉक्स ऑफिस पर, उसी को देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि शायद ही सूर्यवंशी अब बॉक्स ऑफिस पर डबल सेंचुरी लगा पाए। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं और भाई इस फिल्म ने 17 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है वो है 178 करोड़ 67 लाख रुपए का। और भाई इस फिल्म को 200 करोड़ के आंकड़े को छूने के लिए अभी भी भैया 18 से 19 करोड़ की आवश्यकता है, जो कि अब ऐसा लगता है कि शायद ही पूरा हो पाएगा। यानी कि भैया आज इस फिल्म को यानी कि 18वें दिन इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिलने की जो संभावना है वो है 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक की। यानी कि यह फिल्म आज इतनी का कलेक्शन कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन भाई डे बाय डे अब इस फिल्म के कलेक्शन में डाउन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि भैया जो कलेक्शन वाला रिपोर्ट है वो नीचे जाएगा। दोस्तों भले ही बंटी और बबली मुकाबला नहीं कर पाई सूर्यवंशी का बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन भैया सूर्यवंशी के लिए आने वाला वीक बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भैया आने वाले वीक में दो बड़ी बड़ी फिल्में बॉलीवुड की तरफ से रिलीज की जाएंगी सिनेमाघर में। यानी कि भैया 25 नवंबर को बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि भैया जॉन अब्राहम अपनी फिल्म सत्यमेव जयते 2 के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेंगे, तो वहीं पर 26 नवंबर को बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान अपनी फिल्म या अंतिम द फाइनल ट्रूथ के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारेंगे। और भाई इन दोनों फिल्मों की जैसे ही बॉक्स ऑफिस पर एंट्री होगी कि भैया उसके साथ ही सूर्यवंशी का जो स्क्रीन काउंटिंग है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा, जिसके वजह से इस फिल्म का जो रफ्तार था बॉक्स ऑफिस पर वो कम हो जाएगा। और इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि भाई अब शायद ही ये फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े को छू पाए बॉक्स ऑफिस पर। यानी भैया आने वाला जो हफ्ता है वो सूर्यवंशी के लिए बहुत भारी साबित होगा। यानी भैया सूर्यवंशी चौथे हफ्ते में तभी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर पाएगी जब इन दोनों फिल्मों को लोगों का प्यार ना मिल पाए, या फिर ये कहें कि भैया ये दोनों फिल्में सूर्यवंशी के सामने कमजोर साबित हो। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया सूर्यवंशी को लेकर अब ये जो बातें कही जा रही है कि भैया शायद ही ये फिल्म इंडिया से 200 करोड़ का आंकड़ा छू पाए, क्या आपको लगता है कि ये फिल्म ये चमत्कार कर पाएगी अंतिम द फाइनल ट्रूथ और सत्यमेव जयते 2 को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ते हुए? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जैक्सन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।